रामनवमी के अवसर पर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। रिपोर्ट राजकुमार भगत, पाकुड़। आगामी रामनवमी पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त वरुण रंजन एवं पुलिस अधीक्षक HP जनार्दनन के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी समेत पुलिस बल के जवानों ने बाइक में सवार होकर सिदो कान्हो मुर्मू पार्क से गांधी चौक, रेलवे कॉलोनी सिद्धार्थनगर, स्वामी विवेकानंद चौक, रेलवे मैदान, कृष्णापुरी कॉलोनी, शिवपुरी कॉलोनी एवं छोटी अलीगंज तक फ्लैग मार्च किया गया। मौके पर उपायुक्त वरुण रंजन ने जिलावासियों से आपसी प्रेम, सौहार्द एवं भाईचारे के साथ रामनवमी पर्व का मनाने की अपील किया। उन्होंने कहा कि रामनवमी के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रामनवमी पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए पाकुड़ पुलिस मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। विधि व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी श्री हरिवंश पंडित, विशेष कार्य पदाधिकारी विकास कुमार त्रिवेदी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पाकुड़ अजीत कुमार विमल, सिविल सर्जन डॉ मंटू कुमार टेकरीवाल, अंचलाधिकारी आलोक वरण केसरी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ चंदन, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी श्री कोशलेश यादव, SMPO पवन कुमार, थाना प्रभारी मनोज कुमार समेत पुलिस बल के जवान, रेलवे कॉलोनी पाकुड़ के सदस्य मुरारी मंडल, हिसाबी राय, सुशील साहा, सोहन मंडल, रुपेश राम, अनिकेत गोस्वामी एवं अन्य शामिल थे। लेकर के सभी जो हमारे थाना स्तर पे सभी शांति समिति की बैठक कर ली गई है, साथ ही साथ जिला स्तरीय शांति समिति की भी बैठक कर ली गई है, साथ ही साथ हमारे जितने भी दोनों समुदाय के लोग हैं सभी के बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की गई है और सभी लोगों से अपील किया गया है कि जैसे हम लोग हर साल पाकुड़ जिले में शांति और सौहार्द के माहौल में रामनवमी और बाकी त्योहारों को मनाते हैं, उसी तरह इस बार भी मनाया जाएगा। साथ ही साथ प्रशासन एवं पुलिस ने सभी तरह की व्यवस्थाएँ की हैं, पूरी तरह से हम लोगों की जो मजिस्ट्रेट और फोर्स का डेपुटेशन कर दिया गया है, साथ ही साथ कल फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। इसके अलावा लोगों के सुविधा के लिए जगह जगह पे पानी का, मेडिकल का, बाकी चीज़ों की भी व्यवस्था की गई है। एक बार फिर से सभी लोगों से अपील होगा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग इस त्यौहार को मनाएं और जिला प्रशासन की तरफ से सभी जिले वासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार रामनवमी शांति तरीके से मनाने के लिए पाकुड़ पुलिस के द्वारा पूरा तरीके से तैयारियां किया है। इस बार हम लोग अलग अलग जगह पर एक्स्ट्रा 200 जवान का भी डेपुटेशन कर रहा है और साथ में जो जो हमारे सेंसिटिव जगह पे वहाँ पे वर्दी में भी और सिविल में भी हम लोग जवान लोगों का तैनाती किया है, जो 2400 घंटा निगरानी रखेंगे। साथ में सोशल मीडिया पे मॉनिटर करने के लिए अलग से एक टीम हम लोग इस बार सेट किया है, वो टीम के द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया में मॉनिटरिंग कर रहा है। और फेस्टिवल के टाइम में दारू का भी जो बिक्री होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इसी को लेकर अलग से टीम बना के इस बार हम लोग दारू पे भी लगातार रेड कर रहा है और गाड़ी का चेकिंग भी कर रहा है, और दारू पी के अगर कोई रोड गाड़ी चला रहा है तो ऐसे लोगों पर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी कर रहा है। इस बार हम लोग पूरे तरीके से सक्षम है, हम लोग CCTV और ड्रोन कैमरा से भी हम लोग निगरानी रखी जा रहा है और हम लोगों का यही उम्मीद होगा कि इस बार का रामनवमी हम लोग बहुत शानदार ढंग से मनाएंगे।